कहूंगा कि किसी के पापा हैं आए और किसी के चाचा हैं आए, किसी की मम्मा है आई, किसी की चाची है आई, किसी के भैया है आए और किसी की दीदी है आई। मैं आप सभी लोगों को देता हूँ तहे दिल से बधाई यहाँ पे आने के लिए। और आप सब लोग आए, सबसे पहले एक चीज़ बता दी जाए कि यहाँ पे जो है कि सिखाया क्या जाता है। अभी तक बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं वो किताब पढ़ रहे हैं, आप LKG से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी से पढ़ा रहे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं, विद्यालय में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, किताबें पढ़ते हुए बच्चे आए हैं। किताब में सारी चीज़ें मेंशन की गई है, सारी चीज़ें वो पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें जानकारी ले रहे हैं। आप लोग भी अपने बच्चों का ध्यान देते होंगे कि किस तरह से क्या पढ़ के आए हो, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए आप लोग को बुलाए हैं कि ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग जिंदगी, लाइफ, सम्मान, इज्जत, नेचर, बिहेवियर, ये सारी चीज़ों की बात करते हैं, ताकि लड़का जब यहाँ से, या लड़का लड़की निकले, तो इस तरह से निकले कि उसको लगना चाहिए कि जिंदगी में कुछ बदलाव आया है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आप लोग को बुलाए हैं कि आप लोग जाने कि यहाँ पे क्या सिखाया जाए। फॉर एग्जाम्पल लाइक अंजलि, योर गार्जियन हैज कम, हु इज योर गार्जियन, प्लीज कम। सो इज ही योर अंकल, योर फादर, ओके फाइन, दैट्स ग्रेट, सो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अंजलि एंड अंजलि फादर, कम हियर। अंजलि, दिस टाइम यू टेल मी दैट हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग गुड सर। यू फीलिंग गुड? Why are you feeling good? Are you feeling confident about yourself? Yes, sir. Yes. Why? What is the reason you're feeling confident? Yes, everybody here are a friend of me, and I'm very feeling fantastic. All right, that's great. So what do you want to say about your father? Sir, my father is God for me, because if my father not help me, I'm not here. All because right. I'm here because of my father. That's interesting. That's amazing. Very good, Anjali. Please. Anjali का कहना है कि ये feel confidence feel कर रही है सभी के सामने, और इनके पिताजी जो आज आए हैं, ये पिताजी इनके real hero हैं. Her father is a real hero that he encouraged her. इनको जो है कि हिम्मत दी, ताकत दिया, और आज ये पढ़ रही हैं, पढ़ाई कर रही हैं. Right? तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. और सबसे बड़ी बात, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसे कल आप आए, परसों आपने बताया कि मेरी बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं. सबसे अच्छा तब लगता है जब आप कहते हैं कि हमारी बहन, हमारी बेटी पढ़ना चाहती है, क्योंकि आप अगर जब बेटी को पढ़ाते हैं, बहन को पढ़ाते हैं, तो आप वहीं पे निस्वार्थ हो जाते हैं. आपका कोई उसके पीछे स्वार्थ नहीं छुपा होता है, क्योंकि आपकी बेटी की, आपकी बहन की शादी होगी, वो ससुराल जाएगी, आपको कमा के देने वाली नहीं है, फिर भी आप पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब कि आपके अंदर 1% का स्वार्थ नहीं है, और आपको इसके लिए तहे दिल से मैं नमस्कार करता हूँ सभी लोगों को. ये बहुत ही अच्छी बात है, इट्स इनक्रेडिबल, और इसके लिए बहुत खुशी की बात है. Okay, now let me just say, Anjali, your guardian has come? Okay, please, your dada is there, right? Aapke dada ji hai, aaiye, Anjali. Anjali ka abhi jo hai ki, kitna din hua hai? How many days you have completed? 1 week, ek hafta hua hai. So Anjali, you tell me that, you know, why did you join Happiness Institution and how are you feeling this time? You're feeling good. Okay. What do you want to say about your dadaji? My dada is very fabulous man, and my dada has done a lot for me, and he's very good person. He's very good person. What is the most special thing you always remember? What is the most special thing of your dadaji that you always remember? क्या चीज है दादाजी की जो हमेशा याद रहती है आपको? क्या वो चीज है जो आपको हमेशा याद दिलाती है? दादा ने ये कहा था कभी? कोई ऐसी चीज जरूर होती है. हमारे दादाजी ने कहा था पढ़ लो, नहीं तो जो है कि हमारी तरह खेती करोगे, यही हलुल चलाओगे. हमें वो याद है. आपको क्या याद है दादाजी की ऐसी बात? कोई बात? हर बातें याद रहती है. अच्छा, पहले दिल्ली रहते थे, अभी यहाँ रहने लगे हैं. तो आपने दादाजी से कहा कि आप चलिए, दादाजी ने कहा हम चलेंगे. अच्छा अच्छा, वेरी नाइस. सो हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दिस एनवायरनमेंट दैट गार्जियंस आर हियर एंड द स्टूडेंट्स आर हियर? ऑलराइट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू वेरी मच. ये हम इसलिए दिखा रहे हैं, कोई दिखावे की बात नहीं है, हम इसलिए दिखा रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर अगर लड़की के अंदर या लड़के के अंदर कुछ बदलाव आ रहा है, तो इसका मतलब कि हमारी संस्था पूरी कोशिश कर रही है कुछ सिखाने की, कुछ देने की, कुछ बताने की. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, फोन ग्राम बेल ने बनाया, ग्राम बेल ने फोन बनाया, थॉमस अल्वा एडिसन ने लाइट बल्ब बनाया,
ठीक है, किसी ने हेलीकॉप्टर बनाया, किसी ने जहाज बनाया, लेकिन इन बच्चे और बच्ची को मां बाप ने बनाया, तो मां बाप के लिए एक अलग से ताली। इसलिए जो भी आप गार्जियन है, आप मम्मी पापा चाची चाचा दादा दादी जो भी आप हैं, ये बच्चे आपकी वजह से यहां पे खड़े हैं। दिस इज रियली वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी बात है। आइए लेट्स मूव टू हेड एंड लेट्स कॉल अनदर पर्सन। प्रिंसी, इज योर गार्जियन हियर? डू यू हैव अ गार्जियन हियर? ओके, प्लीज कम। हु इज प्रिंसी गार्जियन? योर मॉम एंड योर ब्रदर। हु इज योर मॉम? ओके, नमस्ते। ओके, शी इज योर मॉम। सो हाउ आर यू फीलिंग दिस टाइम? यू आर फीलिंग वेरी गुड। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट योर मॉम? Why is she everything for you exactly? Because she's your love. How much you love her? This much? This much? Yeah, pura one quintal, this much. Aap se keh rahi ki bahut zyada pyar karte hain. All right, this is the thing that's very impressive. Okay, so what is the thing that always your mother motivates you and guides you? You told. Maine aap se ek baar pucha bhi tha ki aapki mamma ji kya batati hai, kaun support karta hai, to you told about your mother. Kya baatein hain jo aapko hamesha support karti rehti hai, aage le jati hai apni aapki maa ki? माता जी, ऑलराइट, इफ यू आर एजुकेटेड, अगर आप शिक्षित होते हैं तो आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। आपने अपनी बेटी के लिए कहा, इसके लिए सभी लोग तालियां बजाइए प्लीज। इट इज रियली वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सो मच प्रिंसी, मे गॉड ब्लेस यू। राइट, अच्छा आप माता जी ये बताइएगा कि आपके अड़ोस पड़ोस में होंगे, मोहल्ले में, रिश्तेदार में कुछ लोग बेटियों को नहीं पढ़ाते होंगे, तो आप इतना बड़ा जिम्मा क्यों ले लें? आपसे एक मेरा सवाल, मतलब इतना बड़ा जिम्मा क्यों, इतना बड़ा क्या लेने की जरूरत थी, बताइए। शिक्षा जरूरत क्या है शिक्षा की? शिक्षा ना दे वैसी चूल्ही बर्तन कर रहा है, चल रहा है मामला, तो क्यों जरूरी है? आपको क्यों लगता है ये जरूरी है? गार्जियंस के मन में एक डर था जरूर कि वहां जाएंगे कुछ पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन मैं कुछ ऐसा नहीं पूछ रहा हूं कि साइंस और ज्योमेट्री ट्रिगोमेट्री के बारे में, मैं एक नॉर्मल सा सवाल पूछ रहा हूं कि आपने क्यों ऐसा किया, ये निर्णय क्यों लिया आपने? क्योंकि आप अपनी बेटी को अच्छा देखना चाहते हैं, शिक्षित देखना चाहते हैं। दैट इज राइट, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। ओके, सो लेट मी कॉल अनदर परफॉर्मर, मिस्टर प्रियांशु, यू हैव द सेम गार्जियन? ओके, प्लीज कम। Alright, so first of all tell me, he is your what? He's my father. He's your father, exactly, because Anjali is your sister. How are you feeling this time? I'm feeling fabulous. Fabulous, okay. So you tell me that what do you want to be in your life? I want to become a doctor. You want to become a doctor? Not only my wish, this is my father's wish also. Alright, this is your father's wish. What did he say, to become MBBS doctor or what? Yes. Doctor? What type of doctor? MBBS doctor. You want to be MBBS doctor because it's your father's dream, right? All the best. Thank you very much. Priyanshu ne ye bataya ki doctor banna sirf mera sapna nahi hai, balki mere papa ji ka bhi sapna hai. To jab bhi jitne bhi children hai, jitne bhi students hai, jab bhi wo class mein baithte hain, to apna sapna to leke baithte hain, lekin wahan pe apne parivar ka bhi sapna leke baithte hain. Isliye hum, aapne pata nahi hame mobile pe dekha hai ki nahi dekha hai, hum log ki sanstha ko dekha hoga aap log. कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग आपने भी देखा होगा, लेकिन मेरी थोड़ा सा एक गलती भी है, मैं थोड़ा ठुमकी उमकी भी लगा देता हूँ, डांस वगैरह भी कर देता हूँ। इसके लिए मैं आप लोग से माफी भी चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक अध्यापक हूँ, डांस वगैरह कुछ लोग बुरा भी मानते हैं, लेकिन मेरी उसके पीछे कोई नीयत नहीं होती कि मैं डांस कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मस्ती के लिए करता हूँ। बाकी जब हम पढ़ाते हैं, जब कुछ सिखाते हैं, तो पूरे दिल के साथ, पूरी अच्छी नीयत के साथ सिखाते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कुछ आपकी तरफ से सवाल, आपके मन में कोई सवाल आ रहा है कि बेटा बेटी के लिए या पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए कोई मन में सवाल आ रहा है, वो आप अपना रख सकते हैं, कुछ भी, कि कहीं से कुछ कमी हो रही है, या कोई भी मन में सवाल है कि कुछ इस तरह से लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, कोई मन में आपके सवाल, कोई भी मन में आपके सवाल हो, आप निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। बहुत सही, बहुत सही, इसका कम से कम एक हफ्ता लगेगा, एक हफ्ते में पूरा काम हो जाएगा, यह आपकी बहुत ज्यादा बहुत अच्छी बात है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसीलिए हम लोग को भी लड़कियों को बार बार जो है चलना पड़ता है साथ में, कहीं कोई छोटा दिक्कत राइट सही बात है। इसके लिए हम जो है कि इसका सेटलमेंट जल्द करवाएंगे राइट। और आप लोग को आज बैठने उठने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई होगी, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है धीरे धीरे। ओके, और किसी का कोई सवाल, किसी भी गार्जियन का, माता पिता का, चाचा चाची भैया दीदी का, किसी का कोई सवाल अपने सदस्य को लेके, कोई भी सवाल आपके मन में, कुछ भी, कोई भी सवाल। देखिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। एक बार एक पिताजी थे दिल्ली में, तो अपनी बेटी को कहें कि बेटी आज मैं दिल्ली घुमाऊंगा। बेटी खूब खुश हो जाती है, अच्छे आज पापा जी मुझे दिल्ली घुमाएंगे। बेटी बहुत खुश हो जाती है, पापा जी पीछे बुलेट पे बैठाते हैं और बेटी को चादर से ढक देते हैं, पूरी तरह से चादर से ढक देते हैं और पूरा दिल्ली घुमाते हैं बुलेट से। बुलेट से घुमाने के बाद वो वापस आते हैं, बेटी से पूछते हैं बेटी तूने क्या क्या देखा। बेटी कहती है मैं तो चादर से ढकी हुई थी, मैं क्या देख सकती हूँ, मैं तो चादर से, मेरी आंखें बंद थी, मैं क्या देख सकती हूँ। तो पापा ने कहा कुछ नहीं देखी। तो बेटी कह रही कि आपने मौका कहाँ दिया देखने का। यही हमारे जीवन में भी जिंदगी में होता है, हम बेटे को मौका दे देते हैं, बेटी को चादर से ढक देते हैं, ये बहुत बड़ी गलत बात है। अगर बेटी की भी चादर को हटा दीजिए, वो जो आपने जो आंखों पे पट्टी बांधी है उसको भी हटा दीजिए, तो बेटी भी पायलट, इंजीनियर, प्रोफेसर, डॉक्टर बन सकती है। आप लोग इस चीज़ को मानिए। इसलिए चादर रख के चलना है बेटी के साथ या चादर को हटाना है, आप डिसाइड कर लीजिए। आप बताइए, चादर हटाना चाहते हैं रखना चाहते हैं? चादर हटाना चाहते हैं। और आप लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोग चादर हटा के ही आए हैं, इसीलिए आपकी बेटियाँ यहाँ पे खड़ी हुई है। तो चादर हटाने के लिए सब लोग तैयार हैं? बताइए, ऐसे चादर ढक के घुमाना है, चादर हटा के घुमाना है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स राइट, ताकि उनका भी माइंड ग्रो हो। कोई मन में सवाल, मैं ज़्यादा आपको समय नहीं लूंगा, हम लोग साथ में फिर पानी वगैरह पियेंगे फिर जाएंगे, बस यही इसका मतलब था इस मीटिंग का, ताकि यहाँ पे क्या चल रहा है हम आपको बता पाए। Anybody having anybody is here whose guardian is here? Hema, is your guardian? Okay. Yes, Mr. Anish Vikash, come. All right. Do you have your father here? No, sir. My brother is here. Your brother. He's your brother? Okay, he's your brother. That's great. Who is there? My father. Your father. Okay, he's there. No, sir. All right. So first of all, you tell me, how are you feeling that your brother is here, right? Very fantastic. Supercalifragilistic is very joyous. That's interesting. So your brother told you about to join happiness? Yes, my brother told me. What did he say to you? Because he was saying English is very important in our life. Because you will be in your life without English, you cannot go anywhere. You want to go any other country. So without English, you cannot go other country. That's interesting. Yes. So are you comfortable? Are you feeling satisfied? I'm comfortable, sir. Okay, so how are you feeling this time that in front of the guardians who are speaking something? I'm feeling very fantastic because I didn't understand I'm speaking in front of my parents. Right, exactly. So, are you okay? Yes, I'm okay. Are you confident? Yes, I'm confident. Can you speak in America? Yes, I speak America in America. All right, American बोलने के लिए तैयार है ये. All right, that's interesting. इनका accent देख रहे हैं? बताइए, मार्टिनगंज की धरती पे महुजा मोड़ गांव जैसे इलाके में ये जबरदस्त अंग्रेजी का accent देखिए. इसका मतलब सिखाया जा रहा है. इसका मतलब सिखाया जा रहा है. Come here, dear. Hi. Hello, sir. How are you feeling this time? I'm fine. I'm feeling very well. All right. What is the role of your father in your life? My father is very everything for me because my father according to me, my God, and I need anything, so he gave me. All right. So this time, what did you say last day, your father, that excuse me, that Abdullah sir has called, or Bukesh has called in the office, you have to go there. So what did you tell to your father for God's meeting? My father told me, absolutely, I'll come. Then I say, okay, you come, I meet you. All right. So are you happy now? Yes, I'm happy. Are you satisfied yes. now? Yes. Are you excited now? Yes, I'm excited. All right. That's great. Thank you very much. मेरा मानना है, मैं मेरी भी ज्यादा उम्र नहीं है अभी, मेरा मानना है शिक्षा सबसे पहले यहां से होनी चाहिए। यहां पे कोई किताब नहीं है, कोई कॉपी नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई कलम नहीं है, कोई पेज, कोई पन्ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग चल रहा है, जुबान चल रही है। लड़के को कुछ पहले से भी नहीं बताया गया, कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, वो बंदा बोल रहा है, लड़का बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसके दिमाग में कुछ है। और जब ये होगा तो हर किताब भी लिखी जा सकती है। किताब भी लिखने वाला दिमागदार था, राइट? सो दैट्स वाई यूटिलाइज योर माइंड। आप लोग अपने बच्चों को पुश करिए। यही आज के लिए था, बस आप लोग के मैं लिए कहना चाहूँगा कि आप आए हैं यहाँ, आप लोग का शुक्रिया, धन्यवाद। आज मैं हूँ यहाँ, कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। तो टीचर शिक्षा आते जाएंगे, जाते जाएंगे,
और लोगों को पढ़ाते जाएंगे, माहौल बनता जाएगा, बस आप लोग धक्का देते जाइए अपने लड़कों को, राइट। तो आप लोग तैयार हैं? आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, थैंक यू सो मच। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और अगर कोई पर्सनली अपने बच्चे बच्चे से मिलना चाहता है तो alright, Nagesh, come here. How many days have you completed here? I don't know. You don't know the days, right? Okay. How are you feeling this drawing? I'm better. Which speak loudly? Which guardian has come? My father. Your father. Where is your father? He's sitting there. Yes, sir. What does he do? Which business he's doing? Is business. Speak loudly. Speak loudly. He's a businessman. He's a businessman. Yes, mobile shop, right? Yes, sir. Okay. Do you also work in mobile shop? Yes. No, you don't work. Okay, so first of all, tell me that are you feeling hesitation? No, sir. You're not feeling hesitation. No, sir. So are you excited for this? Yes, sir. Are you happy for this? Yes. What do you want to say about your father? My father is... Speak loudly. My father is good. My father is fantastic. My father is fabulous. Okay, fabulous. Speak up, right? All the best. Thank you. Abhi jyada din nahi hua hai. 5-6 din hua hoga. 5-6 din ek hafta. Right. Abhi now. Is it coming? Is it capturing you? Hi, Abhinav. How are you? I'm fine, sir. How about you? I'm very good. How are you feeling this time? I am fantastic. Okay, that's great. Just what do you want to say about Happiness Institute? Happiness is good. Happiness is good. Why is it good? His happiness is because English is very fantastic. Okay, this time, how are you feeling about these guardians? Exactly, they are sitting here. Yes. How are you feeling about guardians? Your father, your guardian is here or not? Not here. So how are you say, what do you want to say about these guardians? Yes. How are you feeling this time about guardians? It's fantastic. It's fantastic. Okay. Yes. So, you know, just you think about yourself. Have you changed yourself? Are there some changes? Yes. Yes, you are. Can you speak English? Yes, I am speaking English. Speaking English. All right. All the best. Thank you very much. ऐसे ऐसे लोग निकल जाएंगे यहाँ से. आपको भी आश्चर्य होगा, अरे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं. और इनकी वीडियो भी है, यूट्यूब पे वीडियो भी है, आप देख सकते हैं. और किसी के गार्जियन का कोई बच्चा? ओके, कम डियर. योर फादर ओके, प्लीज कम. हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर. ओके, आर यू स्टूडेंट ऑफ हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट? यस सर, आई एम. दैट्स इंटरेस्टिंग. सो वेयर इज योर फादर? My father, sir. My Mausa. Okay, your mom. Okay, your mom is sitting. Your mom is sitting there. Mausa. Okay, Mausa. All right, that's great. So he's your Mausa. Yes. What do you want to say about your Mausa that he came today? Nothing, sir. You don't want to say anything. All right. Okay. How are you feeling here? Are you feeling confident? I'm feeling good, sir. Are you feeling good? Yes. Have you changed yourself? Yes, I changed. Yes, can you give your presentation on any topic? Yes, any topic. Okay, on any topic you can give. Yes, what do you want to be in your future? I want to become a doctor. A doctor. That's great. All the best. Thank you very much. Thanks, take care. यही चीज है. और किसी का कोई गार्जियन, किसी का बच्चा, किसी की बच्ची, किसी की बहन, भाई? आ बबलेश, कम हियर प्लीज. हाय बबलेश, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम वेरी गुड. यू हैव अ नाइस हेयर स्टाइल मैन. ऑलराइट, व्हाट अ हनी सिंह कट. यस सर. ओके, सो योर फादर टोल्ड फॉर दिस? Yes, sir. पापा ने बताया था इसी बाल रखना? No, sir. I said, no, your father has not told you. All right. This is your fashion. This is your choice. All right. Yes. Okay. First of all, tell me, after joining Happiness, yes, what changes you have got? Because Are you changed yourself? Yes, from my Happiness Institute? Yes. Why did you join? Because I need to speak English. Are you really speaking English? Yes. Can you speak English now? Yeah, I speak English. You speak English. Which is the best class in Happiness? So which is very good class, presentation, theory class, practical class? Sir, practical class. Practical class. Yes, sir. All right, all the best. Thank you very much. ठीक है, खुश है ना? हाँ. All right, all the best. Thank you very much. और किसी के गार्जियन, किसी के बच्चे को? जी, प्रिया. प्रिया. For speaking, I think she's प्रिया ना? प्रिया, प्रिया for speaking. किसी के और गार्जियन? करण, करण. कॉल टू करण, शाइल, यो ओके. अच्छा, ये लो, योर गार्जियन इज सिटिंग देयर. ऑलराइट, प्लीज कम. ऑलराइट, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शाइल. हाय, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग फैंटास्टिक सर. व्हाट डू यू वांट से अबाउट दिस मीटिंग? आई वांट टू से अबाउट दिस मीटिंग हैज फॉर द पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स आर कमिंग हियर
for just knowing the situation of speak loudly. The parents has come here for knowing the situation of their children, which they are sending like a student, lots of people. So what do you want to say about the situation? How is the situation of happiness and situation? This time situation is so best. It is one of the best situation of happiness. All right. What do you want to say about this gorgeous meeting? I want to say that this guardian meeting is, it should be, you know, 1 week or 2 week or 3 week. So it is very fantastic because right. The guardians are coming here and they can, my uncle is also here presenting here. All so right. I want to say this. This is very good. All right. That's great. So are you happy now? So much happy. All right. Thank you very much. God bless you. Ye dekhiye. Isi tarah ke dhua dhada ke ekdam dhua dhar se ladke nikalna achhi tarike se. Okay. Priya, come. Priya, come here. All right. Who is your guardian? Krishna, sir? Right. Okay, first of all, how are you? I'm fine. Speak loudly. I am fine. Okay, how are you feeling this time? I am feeling happy. Are you a new student or a senior student? I'm a new student. You're a new student. Okay, that's great. What do you want to be? What's your target? Doctor. You want to be a doctor? Why? For money or for service? Service. और सर्विस ये जो डर है झिझक है देखिए सामने है आपने जैसे कहा आपने बहुत अच्छा किया आपने बताया झिझक है ये झिझक को निकालना है अभी कितना दिन हुआ होगा सर पाँच छः दिन हुआ है 5-6 दिन में फिर भी अपने आप को डिलीवर कर रहे हैं झिझक को निकालो डर नहीं होनी चाहिए ऑलराइट ऑल द बेस्ट ओके किसी के कोई गार्जियन बच्चे किसी को गार्जियन वेयर इज योर गार्जियन मम्मा एंड Mama. All right. So how are you feeling this time? Sir, feeling is very good. Feeling is very good. First of all, tell me that are you feeling comfortable in Happiness Institute? Yes, sir. Comfortable. Okay. What is your problem in happiness? Sir, no problem. No problem. Okay. How are you feeling that your mama is here? Sir, mama is feeling confident. You're feeling confident? Mama is here? Yes. Mama ke samne confidence aata hai ya aise bhi aata hai? Sir, aise. Aise bhi aata hai. Lekin mama ke samne jyada aata hoga. Yes. Right? Mama jyada confidence deti hai bachcho ko. Okay. So Kajal, what do you want to be? What do you want to be in your future? What's your target? Sir, my target is doctor. Doctor. Your mama told to be a doctor or you self-choice? Sir, mama is a doctor. Mama told to be a doctor. Is mama doctor? No, sir. No, she's not a doctor. All the best. All right. Abhi jyada din nahi hua hai. All right. All the best. Kisi ke bachche, kisi ke bachchi, kisi ki behen, beti, bhai. So Srishti, aapka naam hi hai Srishti. Ye naam kisne diya aapko? Mama. How do you think, how are you feeling about this name? Do you like this name? Yes. So do you want to fame yourself in the whole world? Puri srishti mein apna naam karna chahti hain aap? Yes. To kya banna chahti hain? I am businessman. You want to be a business lady? Bahut achhi, inke liye taali bajaiye. Ladkiyan aati hai, kehti hai doctor banna hai, engineer banna hai. Normal kuch housewife banna hai, lekin inko business karna hai. Business wo bhi international level pe, right? You want to do business international level. Are you ready? Your mama encourages you or not? Yes, mama. Mama supports you. What does she say? क्या कहती हैं आपसे? Mama कहती हैं कि businessman तुम्हें बनना है मतलब मैं जब छोटी सी तब से ही मम्मा business करती हैं तो उनको देख के मुझे लगता है कि मम्मा की तरह मुझे बनना है क्योंकि मम्मा को देखती हूँ ना मम्मा हर चीज़ से लड़ जाती हैं हर चीज़ से उनको कितनी भी चोट लगे पर वो हमारे लिए हर चीज़ करना चाहती है तो हम भी चाहते हैं कि मम्मा के लिए कुछ ऐसा करें कि हमारी मम्मा सोचे कि ये हमारी बेटी हैं मम्मा को गर्व हो वेरी नाइस बहुत अच्छी बात है Very good, Srishti. All the best. आप अगर business के लिए सोच ली इसका मतलब आपने बहुत बड़ा सोचा है right? क्योंकि ये लड़कियों के लिए बड़ा अलग तरीके का सोच है right? And God bless you. All the best. किसी के और कोई guardian, किसी के बच्चे बच्ची जो आप चाहते हैं यहाँ पे guardian? जी सर आपका स्वागत है नमस्कार कैसे ठीक है अच्छे आपका भी स्वागत है सर जी नमस्कार आपका कौन है रवि वेयर इज रवि रवि कम हियर रवि शर्ट बदल लिए क्या अरे यार जबरदस्त क्या डॉक्टर साहब आप शर्ट बदलवा दिए आ क्या ऑलराइट ये शर्ट बदलने का राज क्या ये बताओ है कोई बात नहीं आप अच्छा ये धान उन बैठाते हैं कि नहीं बैठाते हैं नहीं हम भी बैठाते हैं लेकिन ये यहाँ भी आते हैं जिसे लग रहा धान बैठा के आ रहे हैं और इधर आओ घबराओ मत आपके पापा हैं योर फादर हाउ आर यू फीलिंग सर स्पीक लाउडली हाउ आर यू फीलिंग हाउ आर यू सर आई एम फाइन यू आर फाइन यस सर डू यू हैव एनी प्रॉब्लम हेजिटेशन नो सर यू डोंट हैव एनी हेजिटेशन वेयर इज योर फादर सर माय फादर इज डॉक्टर लचन वेयर इज ही वेयर इज योर फादर
I know the name. Where is he? Where is your father? I want to look him. Where is your father? Your father is there. Okay, what does he do? What's his occupation? Sir. Is he an engineer? Yes. No, sir, doctor. He's a doctor. Yes. Okay, that's great. So, when you fall ill, jab aap bimar hote ho, to ilaj kon karta hai? Papa karte hai, dusre kya jaate? Sir, papa karte hai. Papa does it. Yes, sir. Injection wagera kabhi papa se lagwaye? Yes, sir. Yes, many times. Aap zyada injection lagate hai? Nahi. अजय घर पे कैसे रहते हैं? डर के रहते हैं या खुल के रहते हैं? खुल के रहते हैं। यहाँ पे आपको डर क्यों लगती है बताओ? नो सर, डर नहीं लगती है। अब्दुल्ला सर तलवार लेके चल रहे हैं, कहाँ की डर लगती है? हाँ बताइए, डर एकदम हटनी चाहिए। अगली बार अगर ये डर दिखी तो मैं यहीं से कूद जाऊंगा और आत्महत्या का आरोप आपके ऊपर लगा दूंगा। अब्दुल्ला ने आत्महत्या की रवि की वजह से, राइट? ठीक है, ये डर नहीं दिखना चाहिए अगली बार। ओके, ऑल द बेस्ट। और किसी का कोई गार्जियन, किसी के बच्चे बच्ची जो चाहते हैं? दो मिनट और लेंगे। किसी की कोई इच्छा? आ जाइए, कम हियर। नहीं, आपके अंदर डर तो नहीं है लेकिन घूमते बहुत ज्यादा। इधर आओ। क्या सर जी, ये घूमते ज्यादा है ना? अच्छा बताइए, टाइम से पहुंच जाते हैं घर पे कि लेट पहुंचते हैं? समय से जाते हैं ना, कभी कभी साइकिल पंक्चर भी हो जाती है तो लेट पहुंचते होंगे। Okay, how are you? I'm fine, sir. You're fine? Yes, what's your name? Rishabh Rajwar. What's your father's name? Motilal Rajwar. All right, that's great. So how are you feeling this time here? Very fantastic. You're feeling very fantastic. Okay. Why did you join Happiness Institution? Your father told? Are you choice? Sir, meri choice. Sir, you choice? Yes. कैसे पता चला happiness के बारे में? Sir, Mukesh sir. Mukesh sir told you? Yes. वो आपको बताए थे? Yes, sir. चलो हमारे साथ happiness. जय हो. No, all right. Very nice. So are you feeling comfortable here? Yes. Your father is there. How are you feeling? Your father is there? You're feeling fantastic. Yes, sir. All right. All the best. बहुत अच्छा बदलाव आया है। छोटे के अंदर थोड़ा और बदलाव लाना है अभी। वो थोड़ा लेजी है। ओके। ठीक है। और किसी की कोई इच्छा? देखिए आप ही लोग। निकिता, where is निकिता? Okay, we have to call निकिता। आइए चंचल साहब। तो आप मन से भी चंचल हो या नाम चंचल है? सर है मन से चंचल है। अच्छा चंचल, ये बताओ कि पढ़ने के पीछे क्या राज है? पढ़ाई क्यों कर रहे हैं आप? सर एक लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा एक लक्ष्य है आपका। अच्छा बताओ, एक तरफ जो है कि आपका मान लो कि कोई दोस्त गिरने वाला है और एक तरफ आपकी परीक्षा है, तो दोस्त को बचाओगे या परीक्षा दोगे? सर दोनों इम्पोर्टेंट है। दोनों इम्पोर्टेंट, तो पहले क्या करोगे आप? पहले क्या करोगे, दोस्त को बचाओगे या परीक्षा दोगे? सर कंफ्यूज, दोनों इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। दोनों इम्पोर्टेंट, और दोनों के लिए कंफ्यूज हो गए। चलिए कोई बात नहीं। और आईएएस की परीक्षा अगर है तो? छोड़ नहीं सकते सर, आईएएस को नहीं छोड़ सकते। और दोस्त को कह देंगे, दूसरे से सीटी मार के कह देंगे आप बचा ले भाई को, ऑलराइट हम जा रहे हैं आईएएस का एग्जाम देने। मेरा लाला ऐसा होने वाला नहीं है, ये तो सिर्फ आप बताइए। आप एक लोग की जान लेके आईएएस बनोगे तो भी तो सही नहीं है। कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं। पैसा इंपॉर्टेंट है, शिक्षा इंपॉर्टेंट? शिक्षा, शिक्षा के बाद अगर पैसा नहीं आया तो? शिक्षा रहेगा तो कुछ भी कर सकते हैं, टीचर भी बन सकते हैं। बहुत से लोग शिक्षा लेने के बाद पैसा नहीं कमाते, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर आलसी होते हैं और क्या, घर में बैठे रहते हैं। पढ़े लिखे हैं तो टीचर भी बन सकते हैं। अच्छा पढ़े लिखे हैं तो टीचर बन सकते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? सर हम जनरल बनना चाहते हैं। आप जनरल बनना चाहते हैं? जनरल बनना चाहते हैं तो आपको आर्मी में जाने का जो है कि शौक है? मैं चाहता हूँ कि आर्मी में जाना है। अच्छा, यू वांट टू सर्व आवर कंट्री, देश की सेवा करना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा टारगेट है। ये कोचिंग के स्टूडेंट है इसलिए इंग्लिश में बात नहीं किया, स्पीकिंग के नहीं है। अवनीश फिर से एक बार। अच्छा कोई और आया है क्या? अच्छा अच्छा कुछ कहना चाहते हैं आप? जी पहले जब फर्स्ट लॉकडाउन से पहले जब आपने ज्वाइन किए थे तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स था,
डिसिप्लिन नहीं है घर पे, यहाँ पे तो बहुत अच्छा है। घर से क्या दिक्कत आ रही है वो बताएंगे आप। घूमने में ज्यादा समय दे रहे हैं, और कोई दिक्कत? एक घूमना है ज्यादा, क्योंकि मुझे लगता है अगर स्कूल जब हम जाना है तो अपने लाइफ को लेकर कम से कम 24 घंटे में 4-5 घंटा सीरियस होना चाहिए इस बारे में। राइट, बाकी जब ग्रेजुएशन लेवल पर हुआ अलग बात है, तैयारी समय जैसा कंपटीशन होगा। कितने घंटे घूमते हैं ये सर? कल पूछा कितने घंटे पढ़ते हैं, तो बोले कि एक भी घंटे नहीं। एक भी घंटे नहीं? कल पूछा कितने घंटे, तो सर कुछ मोटिवेट भी किए ऐसा दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। पर्सनल प्रॉब्लम आपने बता दी है। देखो, आपको जब घूमने का मन करे मेरा नंबर ले लो, मुझे बुला लिया करो, तो साथ में दोनों घूमेंगे आराम से, ठीक है? और लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी, जितना ज्ञान मेरे पास उतना ज्ञान होना चाहिए आपके पास, तो मेरे साथ घूमो आराम से। राइट, ये इसके लिए तैयार हो तो बोलो। This is wrong, right? Yes. Try to understand. You are a right. Right. इनको हम personally समझाते हैं। Thank you so much. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बातें कही। Anish, इस तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए। और घूमा मत करो, शाम में आधा एक घंटा घूम लिया करो हवा पानी लेने के लिए, थोड़ा ऑक्सीजन भी जरूरी है। घूमने से दिमाग फ्रेश होता है, लेकिन इतना मत घूमो कि बीड़ी का धुआं हमारे ऊपर आ जाए। होता है ना, एक बार मैं भी मालूम है दोस्तों के साथ रहते रहते सब तंबाकू खा रहे थे, तो मैं देखते थे तो मैंने कहा तंबाकू खा रहे, मैंने कहा बना दे मेरे लिए भाई, मैंने कहा मेरे लिए भी बना दे। तंबाकू बनाए, मुझे दिए, मैं खाया, मैं बेहोश हो गया, मतलब गिर गया। मुझे लगा तब वहां से मैंने जो है कि ऐसे लोगों का साथ एकदम छोड़ दिया, क्योंकि वहां पर असर कर जाता है। ये वाली शिकायत आनी नहीं चाहिए, और मैं आपसे पर्सनली ऑफिस में मिलूंगा। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। Priyanshu, come here. He has already spoken. He has already spoken in front of, yeah. बताइए। पढ़ने में ठीक है, हम लोग समझ भी देते हैं, लेकिन जैसे मैंने मोबाइल टेबल पर रखा है, अगर मैं घर से बाहर हुआ तो काफी गेम खेलता है। काफी गेम। एक रिक्वेस्टिंग है, किसी गेम खेलना, पबजी खेलना बंद करवा दीजिए। ठीक है, इनको हम पबजी खेलना बंद करवा देंगे। बताओ कौन सी सब्जी खाते हो पहले बताओ। देखिए इसमें लोग किए हैं, हाँ, खुद इसका पासवर्ड नहीं खुल पाता, पबजी का पासवर्ड खुलवा के दिखाइए। मतलब मैं खुद नहीं खुलवा कर पाया, इसलिए लोग किए हैं। हाँ हाँ, खोलो पबजी वाला, खोलो थोड़ा। तो पबजी नहीं है, नहीं है, जो भी गेम है लोड किया हो। फ्री फायर होगा, फ्री फायर ना, फ्री फायर है। मतलब मैं भी कोड नहीं जानता, जिसमें कोड क्या है, और ये जान गए हैं। तो है। फ्री फायर खेलने का क्या मतलब, मकसद क्या मतलब है? बहुत नशा है, नशा है। मतलब मैं टेबल में मेरा मोबाइल आया नहीं, मैं बाहर हुआ नहीं, कि ये एकदम मम्मी का सुनना, ना किसी का सुनना, बस एकदम लगा रहता है। नहीं, देखिए, देखो इस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए। राइट, फ्री फायर वगैरह क्या है, ये आंखों पर असर डालता है थोड़ा बहुत कुछ। अरे पापा के साथ कोई गेम खेल लिया करो, आप शाम में आते कब आते घर पर? यहीं पर रहना ना, तो आप एक काम करिए, बच्चों के साथ थोड़ा गिल्ली डंडा खेल लिया करिए, थोड़ा क्रिकेट विकेट खेल लिया करिए। अच्छा आ जाते हैं। देखो पहली बात तो ये मोबाइल गेम्स, हर बच्चों को पहली बात इससे दूर चलो, ठीक है? ये सब फालतू की चीज़ है। आप बन जाओ फ्री फायर नहीं, फ्री फायर की तरह आपको लोग याद करें, उससे भी ज्यादा कर लो। नहीं, फ्री फायर अब नहीं खेलना है। राइट, मुझे अच्छा करना है उसमें, मेरी वीडियो देख लिया करो, देखो देखते हैं, अच्छी चीज़ें देख लिया करो। राइट, ओके, आप पर्सनली ऑफिस में मिलना, पर्सनली ऑफिस में मुझसे मिलना जी। किसी की और कोई, मैडम जी कुछ कहना चाहती, आइए मैडम। ऑलराइट, प्लीज। किसी की और कोई गार्जियन, किसी की इच्छा, बच्चे? हाँ, या दे हैव कम। अच्छा, गुड मॉर्निंग, माइशेल पनीता पाठक, मैं बिलवानी गांव से बिलोंग करती हूँ, एंड एज ए टीचर मैं अभी 1 वीक से यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ, बच्चों पढ़ा रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखा है, स्कूलों में जो दिया जाता है किताबी ज्ञान दिया जाता है,
लेकिन लाइफ में जो हमको जरूरत होती है वो हम लोग को जिंदगी जीने का जो नॉलेज अलग ही होता है। किताबी ज्ञान जरूरी नहीं कि हमारे लाइफ में काम आए, लेकिन जो लाइफ का ज्ञान होता है वो अलग ही होता है। तो इस इंस्टीट्यूट का मैं एक बहुत अच्छा का नॉलेज भी बहुत ज़रूरी होता है कि जिंदगी हमें कैसे क्या करना है। बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने दिया, मोबाइल गेम अगर हमको खेलना ही है तो हम अपनी बॉडी से कुछ खेलें, बॉल खेल सकते हैं, हॉकी खेल सकते हैं या दौड़ने वाला गेम खेल सकते हैं जिससे हमारे बॉडी में मूवमेंट हो, तो इससे हमें क्या होता है, हमको लाभ होता है। और जो हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं, मोबाइल बैठ खेलते हैं, उससे क्या होता है कि हमें माइंड तेज चलता है, ठीक है, लेकिन हमारी आँखों के लिए और बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। उसमें जो ब्लू रेस किरणें निकलती मोबाइल से वो आँखों की रोशनी को बहुत तेज़ी से खींचती। तो इसलिए सारे बच्चों को हम यहाँ से यही मैसेज देना चाहेंगे कि अगर उनको खेलना ही है तो कोई भी गेम खेले, लेकिन मोबाइल का गेम नहीं खेले। और अगर इस इंस्टीट्यूट में आ ही गए हैं तो यहाँ से सर का नॉलेज लें। मुझे इनका एक चीज़ बहुत बढ़िया लगा कि इस गांव के माहौल में ये सिटी जैसा माहौल दे रहे हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे स्कूल में कुछ भी सीखें, कैसा भी सीखें, लेकिन स्कूल से जाने के बाद जब घर पे जाते हैं तो हमारा गांव का माहौल है, बच्चे फिर उसी माहौल में आ जाते हैं। तो सर यहाँ थोड़ा माहौल क्रिएट कर रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और यही देख के मैंने मेरी बच्चियों का भी यहाँ पे एडमिशन कराया। और मेरी बच्ची ने जो बोला कि मुझे एज ए बिजनेसमैन बनना है, वो मेरी ही देन है आज, बिकॉज पढ़ाई को मैं बहुत माने देती हूँ, लेकिन पढ़ाई हमको अपने डेवलपमेंट के लिए करना है। ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़ाई करके नौकरी ही करें, नौकरी का सीधे सीधे अगर आप अर्थ निकालें तो नौकर होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम अगर पढ़ाई करें तो डॉक्टर इंजीनियर बने, हम एज ए बिजनेसमैन ही बन सकते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन वो कर सकता है जो एक नौकर नहीं कर सकता है। थोड़ा बुरा लगता है सुनने में, लेकिन देखिए सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, सच कहा जाए तो बहुत बुरा लगता है। अगर बच्चों को अगर आप अच्छी बात सिखाएंगे ना उनको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन अगर आप उनकी झूठी तारीफ कर दो ना बड़े खुश हो जाएंगे। तो सच्चाई तो बहुत कड़वी होती है। रहीमदास जी ने कहा है ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो अगर हमको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो हम उस व्यक्ति का साथ करें जो हमारी कमियों को बताएं, ये नहीं जो हमारी कमियों को एक्सेप्ट कर ले, नहीं तुम बड़े अच्छे हो। ऐसे लोग से हमेशा दूर रहना चाहिए। झूठी तारीफ करने वाले हमेशा खतरनाक होते हैं, और सच बोलने वाले बुरा भले लगता है, लेकिन सच बोलने वालों के से आप नज़दीकी बनाएं, क्योंकि वो आपकी कमियों को बताएंगे, और आपकी कमियां अगर दूर होंगी आपका एक अच्छा पर्सनालिटी उभर के सामने आएगा जिसे आपने लाइफ में प्रोग्रेस करोगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।